गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज नवनी जांगिड फ्रॉम आदर्श पाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल. आई टीच इंग्लिश हियर. लास्ट सेशन वी डिस्कस चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 7 एंड वी लेफ्ट विद द टू पैराग्राफ्स लेफ्ट एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट. ठीक है, लास्ट सेशन में हमने जहाँ से छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट करेंगे. अपना चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, इसका दो तीन पैराग्राफ हो गए थे, लास्ट दो तीन पैराग्राफ बाकी है, उसे अपन कंटिन्यू करते हैं. अपने छोड़ा था, देखो जैसे अपन बात कर रहे थे कि राजा था, उसके तीन क्वेश्चन थे. उसके पास एक आदमी, वो एक आदमी के पास जाता है और फिर उन दोनों के पास एक वुंडेड आदमी आता है, फिर वो राजा उसकी ड्रेसिंग करता है. ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक. अब क्या होने लगा जैसे ही उस आदमी का घाव राजा ने साफ किया तो वो, और उसकी ड्रेसिंग करी, उसकी पट्टी वगैरह करी, उसके बाद वो अच्छा फील करने लगा. एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और पीने के लिए कुछ मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. राजा क्या लेके आया, राजा अच्छा साफ पानी लेके आया, फ्रेश वाटर यानी साफ पानी, पीने का पानी. एंड गेव इट टू हिम, और उसे दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल. और जब तक वो उसे पानी देता था, मतलब इतना टाइम बीत चुका था कि जो सन हैज सेट, जो सन था, जो सूरज था, वो डूब चुका था. एंड एयर वाज कूल, और जो हवा थी वो ठंडी हो गई थी, मतलब क्या था, शाम हो गई थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड ऑन द बेड. राजा ने क्या किया, राजा ने हर्मिट की हेल्प से उस वुंडेड मैन को वो राजा उस झोपड़े में ले गया, हर्मिट की झोपड़ी में ले गया और उसे बेड पर लेटा दिया. द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्विट. अब आदमी ने क्या किया, अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप सो गया. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. अब राजा भी क्या था, राजा ने दिन भर हर्मिट के साथ काम किया था, इसलिए वो भी थक गया था. और राजा भी क्या किया, राजा भी पूरी रात के लिए वहीं सो गया. When he woke, जब वो उठा, कौन उठा, राजा, या देखते किसकी बात हो रही है आगे, उस आदमी की बात हो रही है शायद. It was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man laying on the bed was. राजा की बात हो रही है. जैसे ही राजा उठा वो भूल गया था कि वो, उसे याद नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, और जो आदमी है, जो बेड पे जो बियर्डेड आदमी है, दाढ़ी वाला आदमी सो रहा है. एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा, प्लीज टेल मी द पेज नंबर. इस पेज नंबर, वेट अ सेकंड, 11. ओके सर, थैंक यू सर. 12. यस, 12 पैराग्राफ का, दो जो पैराग्राफ चल रहा है इसमें, आधा पैराग्राफ 11 के अंदर है और आधा 12 के अंदर है. यस सर. जैसे ही वो आदमी उठा, जैसे ही राजा उठा, तो उसे ये याद नहीं, वो यह याद नहीं कर सका कि वो यहाँ पर क्यों आया है. ठीक है, और जो आदमी, जो बियर्डेड आदमी, जो दाढ़ी वाला आदमी है, जो बेड पे सो रहा है, वो कौन है. फॉरगिव मी, सेड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस व्हेन ही सॉ द किंग वाज अवेक. जब वो दाढ़ी वाला आदमी उठा तो उसने हल्के से, मतलब अच्छे से उसने कहा, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कीजिए. किससे कहा, राजा से कहा. तब कहा, जब उसने देखा कि राजा उठ गया है. आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर यू, सेड द किंग. राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम्हें माफ़ करने के लिए तुमने ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे तुम्हें माफ़ करना पड़े. You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you. अब वो आदमी कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो. राजा वो कहता है कि आप मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपको जानता हूँ. मैं आपका वही दुश्मन हूँ, वही एनिमी हूँ, जिसने आपसे बदला लेने के लिए कसम खा रखी है. रिवेंज क्या होता है, बदला लेना. स्वोर यानी क्या होता है, स्वेर की सेकेंड फॉर्म है. स्वेर यानी कसम खाना, स्वोर यानी कसम खाई. Because you put my brother to death and seized my property. क्यों, क्योंकि तुमने क्या किया, तुमने मेरा भाई है उसको तुमने मौत की सजा दी. Put my brother to death का मतलब क्या होता है, कि तुमने कैसा काम किया जिससे क्या हुआ, मेरे भाई की डेथ हो गई थी.
एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और जो मेरी प्रॉपर्टी है उसको तुमने सीज कर लिया। सीज का मतलब क्या होता है? बंधक बना लेना किसी चीज को, ठीक है, बंदी कर लेना। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। अब क्या बोलता है, मैंने देखा था कि तो आप कहाँ चले गए हो, मैंने देखा था कि आप उस हर्मिट के पास अकेले गए हो, और इसलिए मैंने क्या किया, मैंने प्लान बनाया कि आपको रास्ते में ही मार दूँ, ठीक है। बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन पूरा दिन बीत गया और आप लौट कर नहीं आए। कहाँ से नहीं आए? हर्मिट के घर से अपने महल तक। क्यों? क्योंकि जो आदमी था वो राजा का वेट कर रहा था। कब किंग क्या करता है, कब किंग हर्मिट के झोपड़े से आता है और अपने अपने घर जाता है, उसको वो रास्ते में ही मार दे, ठीक है। सो आई ओके लेफ्ट सर, माई हाइडिंग प्लेस, तो इसलिए क्या किया, इसलिए मैंने क्या कर दिया, मेरा छुपने की जगह छोड़ दी। हाइडिंग प्लेस क्या होता है, छुपने की जगह। एंड केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और आपके जो बॉडीगार्ड थे उससे, यहाँ पे जो वर्ड आया कैम अपॉन, इसका मतलब क्या होता है, उसके पास आना नहीं होता, इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर मतलब अटैक कर देना, ठीक है। आई कैम अपॉन योर बॉडीगार्ड, उसके पास आया लड़ने के लिए, उसके पास आया। अटैक है। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिसने मुझे पहचान लिया। हु किसके लिए आया है, हु एक क्या बोलते हैं, हु एक क्या होता है, हु एक कनेक्टर भी है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो इससे पहले जो वर्ड आता है, इससे पहले जो वर्ड आता है, जो नाउन आती है, इसे अपन बोलते हैं एडजेसेंट, जो आता है ये उसको शो करता है। हु रिकॉग्नाइज मी, जिसने मुझे पहचान लिया। किसने पहचान लिया, बॉडीगार्ड ने पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और क्या कर दिया, मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं वहाँ से भाग गया, मैं उससे छुटकर भाग गया। बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड, अगर आपने मेरे घाव साफ नहीं किए होते तो मैं अब तक मर चुका होता। आई विश्ड टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था। विश का मतलब क्या होता है, इच्छा करना, ठीक है। देखो दो वर्ड आते हैं, एक तो होता है होप, एक होता है विश। होप में क्या होता है, अपन होप जब वर्ड काम में लेते हैं तब हम ऐसा सोचते हैं कि ये काम हो सकता है, ठीक है। और जब विश काम में लेते हैं विश के मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो पॉसिबल नहीं है, जो नहीं हो सकती और फिर भी हम उसे करना चाहते हो, ठीक है। आई विश टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरी जान बचाई है। नाउ अब इफ आई लिव, अगर मैं जीता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम। अब क्या बोला उसने, उस आदमी ने क्या बोला, उसने बोला कि अगर अब मैं जिंदा रहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं आपकी पूरी उम्र तक सेवा करूँगा विद फेथफुलनेस, मतलब पूरी फेथ के साथ, पूरी आदर सम्मान के साथ। एंड ऑर्डर माई सन्स, और मैं अपने बच्चों को भी यही कहूँगा, मेरे बेटों को भी यही कहूँगा, क्या करो, आप भी उस राजा की सेवा करो, है ना। टू डू द सेम, सेम मतलब जो काम उसने आदमी ने किया था वही काम उसके बेटे को करने के लिए बोल रहा है वो। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करना। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी। अब राजा क्या हो गया, राजा बहुत खुश हुआ कि उसने क्या किया, उसने अपने दुश्मन के साथ शांति बना ली है। मेड पीस का मतलब क्या होता है, शांति बनाना। सो इजिली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और क्या किया, और क्या किया उसने, उसने किंग ने क्या किया, उस आदमी के साथ शांति बना ली, ठीक है, अपने जो दुश्मन था उसको उससे शांति बना ली। सो इजिली, बड़े आराम से, और क्या कर दिया, उसे एक दोस्त बना लिया। अब जो यहाँ पे वर्ड है ना, देखो वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, तो वॉन ओवर का मतलब क्या होता है, मतलब किसी आदमी को एक चीज से बदलकर दूसरी चीज में उसको जीत लेना, उसको बोलते हैं अपन वॉन ओवर, ठीक। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स। राजा ने क्या किया, राजा ने सिर्फ उसको माफ़ ही नहीं किया, राजा ने सिर्फ उसको माफ़ ही नहीं किया, बल्कि देखो क्या किया आगे, सेंड हिज सर्वेंट्स, अपने सर्वेंट्स भेजे एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, और अपना खुद का डॉक्टर भेजा उसकी देखभाल करने के लिए। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने वादा किया
क्या वादा किया कि वो उसे राजा उस आदमी को उसकी प्रॉपर्टी वापस कर देगा। लिविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर हर्मिट। अब क्या हुआ, अब लिविंग द वुंडेड मैन उस घायल आदमी को छोड़ते हुए किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा जो था वो क्या किया उसने, वो झोपड़ी के बाहर गया एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, और जो हर्मिट था उसको चारों तरफ ढूंढा। लुक अराउंड का मतलब क्या होता है, चारों तरफ देखना। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, गोइंग का मतलब क्या होता है, गो अवे चले जाना किसी जगह से, ठीक है। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले ही विश्ड वंस मोर, उसकी एक बार और इच्छा हुई टू गेट आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन, अपने जो प्रश्न थे उनका उत्तर पाने की उसकी एक बार और इच्छा हुई। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, हर्मिट क्या कर रहा था, हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज मतलब क्या था, इसका मतलब क्या है कि हर्मिट जो वो अपने घुटनों के बल बैठा था, ऑन हिज नीज मतलब अपने घुटनों के बल बैठा था। सोविंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बिन डग द डे बिफोर, क्या कर रहा था वो उन खड्डों में बीज बो रहा था जो कि एक दिन पहले उगाए वो खोदे गए थे। बैड का मतलब क्या है, बैड का मतलब क्या है, ऐसे खड्डे जो फसल उगाने के लिए खोदते हैं उनको बोलते हैं बैड्स। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, जो किंग था वो हर्मिट के पास गया। वेंट अप का मतलब क्या होता है, किसी जगह से जाना हो कहाँ तक जाना है उसको बोलते हैं अपन वेंट अप, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से वहां से जाऊँगा तो क्या हो जाएगा इसका, वेंट अप, इसे बोलते हैं अपन वेंट अप, ठीक है। वेंट अप टू हर्मिट एंड सेड, राजा हर्मिट के पास गया और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, क्या बोला उसने कि मैं आखिरी बार आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे याचना करता हूँ कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो बैग वर्ड इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भीख मांगना होता है, बैग का मतलब याचना करना होता है, प्रार्थना करना होता है, डिपेंड करता है ये किस सेंटेंस में काम आ रहा है। यहाँ पे क्या बोला गया है, आई बैग यू टू आंसर माई क्वेश्चन, अब इससे ना भीख नहीं मांग रहा है, वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, इसलिए यहाँ पर बैग का मतलब क्या होगा, प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, क्या बोलता है, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेट द हर्मिट, उस हर्मिट ने क्या कहा कि यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, कि तुम्हें पहले से ही तुम्हें उत्तर दिया जा चुका है। हैव ऑलरेडी बीन मतलब पैसिव वॉइस है ये, ठीक है। एंड स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, ठीक है। मतलब क्या, जैसे वो खड़ा हुआ तो खड़ा होते होते क्या बोला उसने, उसने बोला कि आपने पहले से ही आपके उत्तरों के आंसर आपको, सॉरी आपके प्रश्नों के आंसर आपको मिल चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वाट डू यू मीन, अब राजा बोलता है कि हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, कि मुझे उत्तर कैसे मिले हैं, वॉट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट कहता है क्या तुम्हें नहीं दिखता है, इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। अब क्या बोलता है, अब वो हर्मिट बोलता है, इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस, अगर तुमने मेरी जो कमजोरी है उसके ऊपर तुमने, उस कमजोरी पर तुमने मुझे दया नहीं दिखाई होती, इसमें जो वर्ड है ना पिटीड, इसका मतलब क्या होता है, दया दिखाना, सेकेंड फॉर्म है पिटी की, PITY, इसका मतलब होता है दया दिखाना, रहम दिखाना, इसकी सेकेंड फॉर्म है पिटीड, रहम दिखाया, दया दिखाई, माई वीकनेस मेरी कमजोरी के लिए यस्टरडे कल, एंड हैड नॉट डग दीज बैड्स फॉर मी, और अगर तुमने मेरे लिए ये खड्डे नहीं खोदे होते यू वुड हैव गोन अवे, तो तुम यहाँ से जा चुके होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और फिर जो वो जो वुंडेड मैन है वो तुम पर अटैक कर चुका होता, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, ठीक है। और क्या बोलता है, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और तब वो आदमी तुम पर अटैक कर चुका होता, तब तुम ये इच्छा करते कि काश मैं वहीं पर रुका होता, उस हर्मिट के पास ही रुका हुआ रहता। जो सारा जो वो सेंटेंस है, सारा सेंटेंस क्या है, ये सारा सेंटेंस एक
क्या बोलते हैं, ख्याल के जैसा है, ठीक है। ये कोई ऐसी एक्चुअल में बात हुई नहीं है, ऐसे अपन बोलते नहीं का अगर ऐसा होता, अगर वैसा होता, ठीक है। हर सेंटेंस आया किसके लिए, ये विश के लिए आया, ठीक है। इसलिए इसमें इससे स्टार्ट हुआ है। कोई भी सेंटेंस जब इससे स्टार्ट होता है वो क्या होता है, या तो वो कंडीशन वाला होता है या फिर वो विश वाला होता है, ठीक है। हाँ आगे देखो, एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। और क्या बोलता है वो, एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था, एंड टू डू मी गुड, और जो तुमने मेरे लिए अच्छा काम किया है, वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और वो तुम्हारा क्या था, वो तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट काम था। उसको उससे क्या हुआ, उसको उससे फर्स्ट उसको क्वेश्चन मिल गया, अपना जो फर्स्ट उसका क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया है। आफ्टरवर्ड्स इसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वो आदमी हमारे पास दौड़ता हुआ आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, और जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था वो क्या था, जब तुम उसकी केयर कर रहे थे, ठीक है। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स, अगर क्योंकि अगर तुमने उसके जो घाव है उसकी पट्टी नहीं की होती, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तो वो बिना तुम्हारे साथ शांति किए हुए वो मर चुका होता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो इस तरह से वो क्या हो गया, इस तरह से जो वुंडेड आदमी था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन बन गया। एंड वॉट डू यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और तुमने जो उसके साथ किया वो तुम्हारा क्या था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। इस तरह से राजा को अपने तीनों क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। रिमेंबर देन, तब याद रखना, देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। अब क्या बोलता है हर्मिट, हमेशा याद रखो कि सिर्फ एक ही समय है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो समय क्या है, दिस इज नाउ, वो समय क्या है, अब है। अब हम क्या करते हैं वो सबसे ज़रूरी हमारी लाइफ में होता है। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, किसी को नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, एंड वेदर वी विल मीट एनी वन अर्स, हम किसी से मिलेंगे या नहीं भी मिलेंगे। वेदर का मतलब क्या होता है, वेदर एक कंडीशनल वर्ड है, ये कब आता है, जब हम किसी चीज़ का आंसर यस या नो में लेते हैं, इसका हमें पता नहीं होता है कि आंसर यस होगा या नो होगा, तब हम क्या करते हैं, तब हम वेदर का यूज़ करते हैं, ठीक है। वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, हम किसी और से मिलेंगे या नहीं, एल्स का मतलब क्या होता है, दूसरा, ठीक है। एनी वन एल्स कोई और, एनी वन तो मतलब हो गया कोई, एल्स यानी और, ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो क्या था, वो था जो तुमने उस आदमी की भलाई की थी, वो क्या था, वो सबसे इम्पोर्टेंट काम था। बिकॉज वी वर सेंट इन टू हिज वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हम जो हैं, हम दोनों जो थे, हर्मिट और जो राजा था, उसकी बात हो रही है, हर्मिट बोल रहा है, क्योंकि हम दोनों जो हैं वो उसकी दुनिया में भेजे गए, या फिर बोल सकते हैं उसके जीवन में हम भेजे गए, किस चीज़ के लिए, उसकी हेल्प करने के पर्पज से, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर है, ये पूरा होता है। चैप्टर का मतलब क्या था, चैप्टर के अंदर तीन क्वेश्चन थे, ठीक है, राजा के तीन क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था उसका कि मुझे क्या सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है जो मुझे करना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या था कि कोई काम वो मुझे कब करना चाहिए, एंड थर्ड क्वेश्चन क्या था उसका कि सबसे इम्पोर्टेंट आदमी कौन है। तो इस तरह से उसे अपने तीनों क्वेश्चंस के आंसर मिले, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर उसे कैसे मिला कि उसने पूछा था कि ऐसे कौन चीज़ है जो मुझे कोई काम कब करना चाहिए, ये था उसका फर्स्ट क्वेश्चन उसका। तो उसे उसका आंसर मिल गया था, कैसे मिल गया था कि जब वो आदमी उसके पास दौड़ता हुआ आया था, जब वो आदमी उसके पास दौड़ता हुआ आया था तो उसने उसकी हेल्प करी, क्यों करी, क्योंकि वो समय ऐसा था कि उसे उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। इस तरह उसे अपना फर्स्ट आंसर मिला। सेकेंड आंसर क्या था उसका कि कब करना है और कैसे करना है। सेकंड का क्वेश्चन ये था कि कब करना है, कोई चीज़ होती है वो कब करनी जरूरी होती है, किसी चीज़ के लिए करने का परफेक्ट टाइम क्या होता है, ठीक है। तो वो भी उसका आंसर उसे मिल गया था, क्योंकि उसने क्या किया था, उसने उस टाइम के अंदर जब वो वुंडेड था, जब वो आदमी वुंडेड था, जब उसके घाव हो रखा था,
ठीक है, तब क्या किया उस राजा ने, उसी समय उसकी हेल्प करी। तो सबसे इंपोर्टेंट टाइम उसका वही हो गया। एंड द थर्ड क्वेश्चन वाज दैट, उसका थर्ड क्वेश्चन क्या था कि मेरी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, ठीक है, ये था ना, सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन है मेरे लिए। तो उस टाइम पे उसने क्या किया, राजा ने उस आदमी की हेल्प करी। क्यों करी? क्योंकि उस टाइम पे वो आदमी इंपॉर्टेंट लग रहा था। क्यों लग रहा था वो इंपॉर्टेंट? बिकॉज वो मरने वाला था, इसलिए वो क्या हो गया, वो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हो गया था उस टाइम के अंदर। ठीक है, इस तरह राजा को अपने तीनों क्वेश्चंस के आंसर मिले। ओके एवरीवन, सर यस सर आप हमें क्वेश्चन आंसर पीडीएफ में सेंड करोगे क्या? हाँ बेटा, आपको पीडीएफ से क्वेश्चन से पीडीएफ में सेंड कर दूंगा मैं। किसी को कोई क्वेरी ओके है, सर, कोई क्वेश्चन है, कोई मीनिंग समझ में नहीं आया अपने चैप्टर में से, तो पूछ लो अभी, और अभी नहीं पूछ सकते तो मुझे आप व्हाट्सअप कर देना, अपने अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें सेंड कर देना, मैं आपको उसका मीनिंग वगैरह सब कुछ भेज दूंगा। आपको जो क्वेरी है उसके सारे आपको उसके आंसर मिल जाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएंगे, इसके वर्ड मीनिंग है वो मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर देता हूँ, और क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको पीडीएफ में सेंड कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई करना कि आपको जो क्वेश्चन आंसर है, जो क्वेश्चन आंसर है आप वो खुद से कर सको, आपसे खुद से नहीं होते हैं, बिकॉज चैप्टर है, क्वेश्चन आंसर चैप्टर में से आएंगे, है ना। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करना कि आपसे हो, अगर नहीं होते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर देना, सर वी नीड क्वेश्चन आंसर एंड देन आई विल सेंड द पीडीएफ। ओके यस सर, यस सर, ओके सर। सर बेटा, मेरे पास अभी अभी कॉल आया था इसलिए मेरे को आपकी बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन आंसर समझ करने हैं या तो आप खुद से ट्राई करो एक बार करने की, ठीक है, बिकॉज आप खुद करोगे तो आपको ध्यान रहेगा, आपको याद रहेगा कि मुझे क्या करना है ना। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा कोई, फिर उसका आपने आंसर सर्च किया, इस तरह से क्या होगा, आप पूरी उसका जो चैप्टर है उसको आप रिवाइज भी कर सकोगे, ठीक है, और आप उस आंसर को अच्छे से याद भी कर सकोगे, ठीक है। अगर नहीं होता है तो फिर मैं आपको पीडीएफ सेंड कर देता हूँ क्वेश्चन आंसर की, और इसका जो वर्ड मीनिंग है उसके मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। आपको सारा अपना होमवर्क नोटबुक में करना है, ठीक है, एंड करने के सर बाद, यस यस सर, सर है ना, हम बुक में टिक लगा लेंगे आंसर्स के, बट आप हमें राइट आंसर्स भेज देना। मैं राइट ही भेजूंगा, मैं गलत थोड़ी भेजूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर करना है इसके, और क्या करना है आपको चेक भी करवाना है, आपने जो क्वेश्चन आंसर आपने जो होमवर्क किया है उसकी फोटो रूप में भेज देना आप, ठीक है, यस सर, टीचर सबको। यस सर, ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट सर, क्लास, टिल देन बाय सर, बाय, टेक बाय केयर, सर, थैंक यू, बाय बाय बेटा, सर, थैंक यू। बाय।